गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आतिश जैन और आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ड्रैग रेस। आज स्पेशल क्यों है, एक तरफ है भाई 23 लाख रुपए की होंडा सिटी और एक तरफ है हमारी 18-19 लाख रुपए की होंडा सिटी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एक है होंडा सिटी हाइब्रिड, आप देख भी पाओगे इसके जो होंडा का लोगो है उसमें ब्लू कलर का टिंज है। आगे की जो ग्रिल है वो RS ग्रिल जैसी है, कुछ कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड है, इसमें बैटरी पैक है, ये इसमें हमारा प्योर पेट्रोल है। दोनों के अंदर ही 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जो हमारी नॉर्मल प्योर पेट्रोल वाली है जो राइट साइड में खड़ी है इसके अंदर आता है 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स और लेफ्ट साइड वाली में CVT गियरबॉक्स आता है। पावर स्पेक्स मैं आपको दोनों ओनर से मिलवा के बताता हूँ, क्योंकि जो राइट साइड हमारी प्योर पेट्रोल वाली होंडा सिटी है वो कोड 6 से स्टेज 1 हो रखी है। तो आ जाओ तुषार भाई, अर्चित भाई आ जाओ एक बारी, आप भी कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया भैया जी, आप कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्योर पेट्रोल की बात करते हैं जी। क्या कोड 6 से स्टेज 1 हुई भी है? पहले आपको पूरा बताता हूँ। हाँ जी, गाड़ी स्टॉक जो आती थी विदाउट रिमैप तो आती थी 121 BHP एंड 145 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, अभी हमारी स्टेज 1 हो चुकी है कोड 6 से। ठीक है, ठीक है। तो स्टेज 1 की जो पावर स्पेक्स निकालती है 130 BHP एंड 160 Nm ऑफ टॉर्क। अच्छा, ये हमारे जो स्पेक्स है गाइस, क्योंकि NA इंजन है, चक्कर में यही पावर का गेन है। बाकी इसमें हम जो एयर फिल्टर है वो भी अपग्रेड कर रखा है, KNN का स्टॉक रिप्लेसमेंट परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है। और इसमें स्टॉक टायर्स है और हाइब्रिड भी हमारी स्टॉक है। इसकी पावर फिगर्स क्या होती है भैया? अगर सिर्फ इंजन की देखोगे तो 96 BHP। अच्छा, इसकी इंजन की कम होती है। अच्छा, 127 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, और विद बैटरी कंबाइंड देखोगे तो 126 BHP। अच्छा, 253 Nm ऑफ टॉर्क। तो कहीं ना कहीं आज ये BHP में कम है। हाँ जी, ये ट्यून्ड वाली से हाँ जी, क्योंकि वो 130 हो गई है। हाँ, बट टॉर्क में ज्यादा। हाँ, और ये CVT है और ये हमारा मैनुअल है 6-speed। बाकी क्या लग रहा है, कौन सी जीतेगी? मैनुअल जीतेगी 100%। अच्छा, स्टॉक में मैनुअल ले जाएगी ये तो फिर ट्यून्ड है। तो शायर भाई क्या लग रहा है, कौन सी जीतेगी? भैया देखते हैं यार, पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हो रही है। आरव भाई कुछ नहीं होता मेरे को तो लग रहा है और देखते क्या रहेगा। सिटी हाइब्रिड में दोनों के इंटीरियर सेम है, दोनों टॉप मॉडल है। क्या मोड वगैरह आता है इसमें? कुछ भी नहीं आता, बस इकॉन ऑफ का मोड है इसमें। और ट्रैक्शन ऑफ का भी नहीं है? ट्रैक्शन ऑफ है भाई गाड़ी। चलो ट्रैक्शन ऑफ कर लिया। उनका ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है। हमारा भी ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है। और मोड वोड है कोई? नहीं, हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई दोनों का ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है। क्या? अच्छा, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ। ठीक है, हां बैटरी चार्ज अभी होने वाली है। देखो भाई हो रही है, मैं 3-2-1 करा दूंगा, दोनों का ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है। बढ़िया है, इसमें बस वो प्लग इन नहीं है ना, इसलिए बहुत बढ़िया है। हां, हमने कोई मोड नहीं आता भाई। देखो दोनों के अलॉयस तक सेम है, बस माइनर डिफरेंस है। चले जी, आरव कराएगा 3-2-1। आरव भाई करा रहे 3-2-1, रेडी है? चलो 3-2-1। ओ भाई, मैंने कहा था मैंने कहा था भाई यही जीतेगी। इसका मैंने देख लिया था, लॉन्च बहुत अग्रेसिव है। आप कह रहे थे ना प्योर पेट्रोल? हाँ। नहीं कह रहे थे, बट मैं भाई मेरे को पता है इसने सेल्टोस को बिल्कुल टक्कर दे दी थी लॉन्च में। ले ले लो, धीरे कर लो भाई, 150 पे धीरे कर रहे हैं भाई साहब। पर बैटरी ड्रेन हो गई। हाँ, कोई नहीं, चार्ज हो जाएगी। बी पे कर दो, बी पे कर दी, पे कर दी। नहीं भाई, पर इसका जो लॉन्च है ना, वो बैटरी जो इसको बूस्ट देती है, हाँ, वो बहुत अच्छा देती है। हाँ, कि जितना वो टाइम व्हील स्पिन में वेस्ट करेगी ये निकल ले निकल जाएगी। हाँ, और इसका फिर लॉन्च बहुत अग्रेसिव है ही है। हाँ, तो फिर पीछे भी नहीं आने देगी वो। हाँ, बिल्कुल कवर नहीं करने देगी उसे। हाँ, और एट दी एंड सेम इंजन है। लेकिन ये 180 पे मैक्स हो जाएगी, वो 180 से पार कर जाएगी। अच्छा, ये भी है, इसमें लिमिटर है? इसमें लिमिटर नहीं है, बैटरी खत्म हो जाती है, इंजन पावर इतनी दे नहीं पाता। अच्छा, हाँ, इंजन इसका वो कम है ना। आराम से, आराम से। नहीं नहीं, कोई आपके में प्रॉब्लम थी लग रहा है? नॉर्मल था। कौन कह रहा था वो मैनुअल जीतेगी? नहीं पता क्यों मैंने कहा था, क्योंकि इसका जो ब्रेक बूस्ट है ना वो बहुत अग्रेसिव है और बैटरी किक इन करती है। बहुत अच्छी होती है, व्हील स्पिन जीरो है और अग्रेसिव लॉन्च है। हाँ, इस वजह से हो गई है। फुल है, ऑलमोस्ट फुल है, ऑलमोस्ट फुल है। नहीं नहीं नहीं, चलो ऐसे करेंगे ना। हाँ हाँ, ऐसे कर लेंगे। थोड़ा सा गैप बना लो, हल्का सा लेफ्ट ले लो। अरे देखो भाई, साइलेंट कितनी है।
ईवी वर्सेस पेट्रोल कर रहे हैं हम. काइंड ऑफ आप करो. अच्छा बंद हो गया इंजन. ओके वो इतने में बैटरी को चार्ज नहीं होती ना. चलो जी हम रेडी. मैं करूं 3 2 1 हम आगे हम गैप बना रहे हैं हम पीछे छोड़ रहे हैं और हमने पूरी पीछे छोड़ दी. 100 से पहले हमने पूरी पीछे कर दिया है और अब वो आ भी नहीं पा रही. कॉन्स्टेंट गैप है नहीं आ पा रही. वही भैया का कहना है कि 180 के बाद आएगी जब टॉप आउट हो जाएगी बिल्कुल. ले लो भैया ब्रेक ले लो वो कर दो बी पे कर दो बैटरी चार्ज हो जाएगी. पर यही है भाई कि हाइब्रिड की पावर बहुत बढ़िया है. मतलब वर्थ इट लगा मेरे को तो. एवरेज भी अच्छी है हाँ. उसके बाद परफॉर्मेंस भी अच्छी है हाँ. कंफर्ट वगैरह सेम है फीचर्स सारे एक्स्ट्रा ही हैं थोड़े से. ADAS भी तो है एसी ऑन कर ले हाँ ADAS भी है भाई यही जीतेगी. पोटेंशियल भी सारा मतलब आफ्टर 180 जब भी टॉप आउट हो जाएगी फिर वो आगे जाएगी उससे पहले नहीं. हाँ चला लो रोलिंग एसी कर लो ऑफ ऑफ ठीक है. हमारे में कोई मोड आता नहीं मतलब गियर वगैरह आता ही नहीं हाँ. तो हम सिर्फ डीप नॉर्मल 20 पे फुल एक्सेलरेटर प्रेस कर देंगे. हाँ जी हाँ जी एसी ऑफ फर्स्ट गियर 20 तीन ऑन हम बजाएंगे ठीक है. ठीक है चलो 20 पे क्रूज कर रहे हैं साथ आ गए हैं वो. चलो तीन ऑन. हाँ देखो अब वो गई ना क्योंकि जो इनिशियल हमारा स्ट्रॉन्ग है हाँ. वो इनिशियल रहा नहीं हाँ. पर ये है कि वो आगे नहीं जा पा रही थोड़ी सी जा रही थोड़ी 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 नहीं पर नहीं जा पा रही अब कॉन्स्टेंट है क्योंकि वो कर्व छोटा था उसके लिए बस उतना आगे गई है वो बिल्कुल भी आगे नहीं जा पा रही. थोड़ा सा स्टार्ट हो गया रोलिंग विनर वही रहेगी जैसे हमें पता ही था. वो रोलिंग विनर तो उसी को रहनी अगर हमारे में गियर होते ना तो शायद ले जाती हाँ. लेकिन रोलिंग विनर तो उसी को रहना उसी को रहना था क्योंकि वो मैन्युअली फर्स्ट गियर में स्लॉट करके रखेंगे. हमारा सीबीटी है हाँ. और हमारे ब्रेक बूस्ट भी नहीं मिला हाँ, कुछ भी नहीं मिला हाँ, जो हमारा मेन एडवांटेज साहब वो तो गया ही वो तो पता ही था. अब हम ऐसा करते हैं दोनों गाड़ियों का एसी ऑन कर लेते हैं उसका वो रोल इसका एसी ऑन करते उसका नहीं करते. चलो ठीक है उनको एडवांटेज दे देते हैं. रोलिंग में तो एज एक्सपेक्टेड भाई वही जीती है हाँ. क्योंकि वो फर्स्ट गियर में है ये सीबीटी है हाँ. कोई वो नहीं है. यहाँ से अब हम एसी ऑन कर रहे हैं है। आप एसी ऑफ रखो नॉर्मल ड्रैग है ठीक है. ठीक है तो गाइस अब हम एसी ऑन करके कर रहे हैं नॉर्मल ड्रैग और एक एडवांटेज दे रहे हैं वो हमें क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे रह गई थी फर्स्ट राउंड में और यहीं से स्टार्ट कर गाइस देख लीजिए. तो कौन कर रहा है करता हूं मैं करता हूं 3 2 1 आएगी क्या वो पता नहीं नहीं आएगी लग रहा है कॉन्स्टेंट गैप पर अब हमारा एसी ऑन है तो वो आएगी शायद. हाँ आ गई पर 100 110 120 उससे पहले नहीं निकल पाई. तो भाई ड्रैग विनर तो अभी भी यही है पर एसी ऑन करने के बावजूद वो इतनी आगे नहीं निकल पा रही भाई 150. भाई मैं तो अभी भी ड्रैग का विनर ऐसे ही कहूंगा क्योंकि एग्जैक्ट जो ड्रैग होती है क्वार्टर माइल वाली दैट इज 400 meters तो 400 मीटर्स में ये 120 से कम होगी मैं पक्का श्योर हूँ क्योंकि मेरी सेल्टोस 122 जाती है. ओके okay. उस हिसाब से मैं अगर अंदाजा लगा रहा हूँ हाँ. तो ये उससे कम रहेगी क्योंकि मेरा 020 क्विकर साइड पे है हाँ जी. तो भाई ड्रैग विनर ये है 140 वाला जो हम पता नहीं क्यों कंसीडर करते हैं अगर उस हिसाब से देखे तो बहुत जीत गई. 140 के हिसाब से तो बहुत जीत गई हाँ. आधा गाड़ी भी नहीं मतलब गैप पूरा तो बना ही नहीं हम उनके रेयर बम्पर पे ही थे. तो यही है भाई कि हाइब्रिड होने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है अनडाउटेडली. जो बैटरी का पावर है वो अलग ही है. रोलिंग राउंड सिटी वो वाली जीतेगी ड्रैग ये वाली जीतेगी हाइब्रिड. हाँ हाइब्रिड ड्रैग भी अगर मतलब वो रखे ट्रैक्शन दोनों का. हाँ जी बोलो एक राउंड और कर रहे हैं अब चलाएंगे आरव भाई. उनको लग रहा है कि थोड़ा सा ड्राइवर का फर्क ला सकते हैं वो. मुझे भी उम्मीद है उस चीज की. हम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं बिल्कुल फेयर राउंड करेंगे एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ दोनों ही गाड़ियों में फिर देखते क्या रहेगा. हो गया लॉन्च फिगर आउट हो गया लॉन्च फिगर आउट हो गया ठीक है भाई. फिर तेरी डिस्क में से धुआं आ रहा है. कोई दिक्कत नहीं वो अभी थोड़ा एग्रेसिव कर दी ना. बहुत तेज धुआं आ रहा है. चलो अच्छा चलो एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ ट्रैक्शन
रेडी 3 2 1। अरे भाई ले गया सही में, आरब ले गया। लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो। कितने पे? 110। वही 120 पे ही है यार, 120 पे है। ड्रैग तो नहीं, ड्रैग में टाइम मान लो भाई। देखो ड्राइवर का फर्क तो था। ओ भाई देखो ड्राइवर का फर्क तो था। तो लोग सही कमेंट कर रहे थे। सेड़ूं, सेड़ूं। नहीं नहीं अभी यूटर लेते हैं भाई। कुछ लफड़ा रहा वो ड्राइवर बेकार था ना पहले। नहीं सही में मतलब ये फेयर था ना तुम्हारा। अरे इसमें धुआं आ रहा है। हाँ नहीं नहीं मैं बताऊं 120 पे निकली है। नहीं बट तुम्हारे कोई वो तो नहीं हुई। नहीं नहीं वैसे नहीं नहीं नहीं, नहीं सब कुछ सही था हमारा। तो फिर अपनी गैप कैसे बना ली अपनी? भाई गैप एक पॉइंट के बाद बनानी बनाती है वो। इसके 180 टॉप है, 180 के ऊपर नहीं जाती है। और मोर ओवर 120 मैं कह रहा हूँ ड्रैग में मोर देन मतलब टाई ही है या फिर मार्जिन ये 400 मीटर में निकली होगी। पर 140 के हिसाब से वो क्लियर जीत गई। पर ये आग लगी। हाँ धुआं आ रहा है कंटिन्यूस। भाई ब्रेक अभी नया नया डला है, नए में बल्कि धुआं निकल रहा है। भाई ये ड्राइवर अच्छा है हमारा, ये वाला ना हैवी ड्राइवर। लेकिन उसके बाद मैं अपनी गाड़ी हराता हूँ अतिशय यार। पहले राउंड में दे देते भाई देता। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, वो ना कंटिन्यूस हर बार ऐसे लॉन्च नहीं हो सकती, ये हर बार ऐसे लॉन्च होगी। हमारा ब्रेक बूस्ट ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ वापस चलते हैं। एक और कर लेते हैं इस। हम मैं चला रहा हूँ हाइब्रिड वाली, आप देख पाओगे बैटरी हो रही है चार्ज। एक और फेयर ड्रैग करेंगे क्योंकि आपकी जो पिछली रेस थी वो 120 है। तो इस वजह से आपकी यार मैं चला के देख रहा हूँ। मैंने हाइब्रिड कभी चलाई नहीं है, बाकी ट्राई करते हैं भाई। फुल पोटेंशियल। हाँ ये एसी ऑफ है, ट्रैक्शन। हाँ आपका भी? हाँ ठीक है भाई, आपको फोन दे रहे हैं। हाँ बताओ। 3 2 1 आप करा देना, बोल देना 3 2 1 उस तरफ कर दो। एक्सीलेटर पूरा देना 3 2 1। जहाँ से ठीक हुआ आ गई, आ रही है भाई। ये 120 पे निकलेगी देख लेना। ये देखो इधर देखो, इधर देखो ना एक बारी। 125 130 140 का ही है वो। 140 पे आगे निकली तो भाई ड्रैग विनर भी, और 140 में भी अब यही जीती है। राउंड देख लिया आपने हाइब्रिड वर्सेस नॉन हाइब्रिड के, और भाई ड्रैग विनर हाइब्रिड ही रहेगी इन एनी केस भाई, क्योंकि उसकी बैटरी बूस्ट बहुत अच्छा है, ब्रेक बूस्ट बहुत अच्छा है, लॉन्च बहुत अग्रेसिव है, व्हील स्पिन है नहीं तो उठती चली जाती है। वहीं जो हमारी मैनुअल है, जब आरम ने चलाई तब थोड़े से रिजल्ट वो चेंज कर पाया था, ड्राइवर से देखो बहुत फ़र्क आता है। तो वो 140 पे निकाल पा रहा था, तुषार 140 पे भी नहीं निकाल पाया था, और एक राउंड में तो 120 समथिंग में निकल गई थी। तो यही थी कुछ रेस, रोलिंग विनर पेट्रोल मैनुअल, ड्रैग विनर हाइब्रिड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर से मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।